हे गाइस ऑल यू फनिया स्टोर लवर्स, जो चीज शुरू होती है वो खत्म जरूर होती है। इस चीज को कोई नहीं नकार सकता इस लाइफ में, चाहे वो रियल लाइफ हो या फिर रील लाइफ हो, आपकी जिंदगी हो या फिर जिंदगी का वो फेवरेट शो, वो इम्पोर्टेंट शो जिसके लिए रोज आप वक्त निकाल कर देखते हैं। कॉन्फर्मेशन आ चुका है, पंड्या स्टोर बंद होने वाला है। 22 तारीख को पंड्या स्टोर का लास्ट डे शूट होने वाला है। यस, ये बात मैं आपको कॉन्फर्मेशन के साथ कह सकता हूं। 22 तारीख या फिर अगर 22 को शूट अगर बाकी रह गया तो 22 को नहीं तो 23 को पंड्या स्टोर का लास्ट टेक लिया जाएगा, लास्ट शॉट लिया जाएगा। ये काफी इमोशनल चीज है किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी मेकर के लिए एंड स्पेशली फैंस के लिए, जब एक शो से वो जुड़ जाते हैं और ये पता चलता है कि ये शो बंद होने वाला है। लास्ट टेक मैंने लास्ट शॉट कई सारे टीवी शोज के देखे हैं, अटेंड किए, आई होप एंड आई प्रे कि पंड्या स्टोर के लास्ट टेक के वक्त भी मैं वहां पर हूं ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि उस वक्त क्या हुआ था। लेकिन काफी इमोशनल मोमेंट होता है, एक्टर्स पूरी कोशिश करते हैं कि इमोशनल ना हुए लेकिन हो जाते हैं, क्या करें। एक किरदार से वो इतने वक्त तक जुड़े रहते हैं, वो किरदार जो उन्हें आप लोगों तक पहुंचाता है, आपका प्यार दिलाता है, और कुछ दिनों बाद अचानक से खबर आती है कि ये किरदार बंद होने वाला है, ये किरदार अब आगे आप प्ले नहीं कर पाएंगे, तो किसी भी एक्टर के लिए वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। फिलहाल जब ये बात कंफर्म हो चुकी है तो पंड्या स्टोर के सेट पर शूट चल रहा है, मजे से शूटिंग हो रही है, लेकिन जितने भी किरदार हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, स्पेशली इस जो लास्ट वीक गया था उसके बाद जितने भी लोग आए थे, वो थोड़े थोड़े इमोशनल हो रहे हैं, थोड़े थोड़े मोमेंट्स याद कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज वहां के जो मेकअप रूम्स हैं वो धीरे धीरे खाली होने शुरू हो गए। खाली होने का मतलब एक्टर्स अपनी चीजें जो होती है जो मेकअप रूम में वो रखते हैं, क्योंकि एक एक्टर के लिए उसका सेट जो है वो उसका सेकेंड होम बन जाता है। वहां पर कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको किसी के घर पे नजर आएंगी, वो चीजें उस सेट से हटनी शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे मोमेंट्स भी आ रहे हैं बीच में जब क्रू मेंबर्स इमोशनल हो रहे हैं, कुछ एक्टर्स इमोशनल हो रहे हैं, एंड आई एम श्योर इनमें से कई सारी चीजें आप इन एक्टर्स की रील्स पर भी देख रहे होंगे, पोस्ट पर भी देख रहे होंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। सो ऑल इन ऑल थैंक्स टू यू, आप लोगों ने शो को इतना प्यार किया, इतना दुलार किया, इतना हिट बनाया। जरा सोचिए, जब पंड्या स्टोर ऑफर जा रहा है तो टॉप 5 में जा रहा है, यानी कि वो बोलते हैं ना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये शो बाजीगर बन के जा रहा है आप सबकी नजरों के सामने से। सो जितना भी वक्त बचा है, जितने भी एपिसोड्स बचे हैं इस संडे, यानी कि पूरा एक वीक है आपके पास, बहुत प्यार दीजिए इस शो को, बहुत दुलार से देखिए, सारे एक्टर्स को दिल से दुआएं दीजिए कि उन्हें जल्दी नया शो मिले, और वो नया शो जब मिले तब आप उन सभी को उतनी ही शिद्दत से देखें। सो जब तक ये शो ऑन एयर आ रहा है, प्लीज वॉच इट ऑन स्टार प्लस एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार। एंड ये भी बताइएगा कि जब पंड्या स्टोर खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लोग कौन सा शो देखना पसंद करेंगे। आई एम श्योर आप लोग फिलहाल पंड्या स्टोर ही चाहेंगे, लेकिन अगर कोई सेकेंड ऑप्शन हो तो प्लीज डू लेट अस नो। कीप वॉचिंग, कीप लविंग, टेक केयर।